बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते आज के मुख्य हेडलाइंस। तेजस्वी यादव के विभाग की खुल गई पोल, इस जिले के सदर अस्पताल में नहीं मिल रही दवाई। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी बड़ी नसीहत, चुनाव से पहले काम करने का भी बताया तरीका। लालू परिवार पर ईडी के सिकंजा को लेकर सियासत हुई तेज, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कह दी बड़ी बात। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रदेशवासियों के लिए कर दी बड़ी मांग। अपनी ही बातों से चंद्रशेखर ने मारा यूटर्न, खुद को बताया राम भक्त, मीडिया कर्मियों की जमकर लगा दी क्लास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लग सकता है ग्रहण, सामने आई बड़ी वजह। नीतीश के करीबी मंत्री ने किया बड़ा दावा, भाजपा की जमकर लगा दी क्लास। अमित शाह ने डीजीपी को लिखा पत्र, सूबे के सभी आईपीएस से मांगी बड़ी जानकारी। बिहार बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, यह छात्र नहीं दे सकेंगे इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा, कैंसिल हुआ एडमिट कार्ड। बिहार में बन गया खेल विभाग, काम का हुआ बंटवारा, इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार में। बिहार में महागठबंधन सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 16 महीने का समय हो चुका है, तब से स्वास्थ्य विभाग की कमान राजद के सबसे कदावर नेता और कैबिनेट में दूसरे नंबर के नेता यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। इनके तरफ से कागजी तौर पर तो इनके इस विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो मिशन 60 हो या फिर अन्य कई तरह की योजनाएं, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी हकीकत कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला शिवहर से निकलकर सामने आया है, जहां सदर अस्पताल में दवाई बाहर से खरीद कर लाने के बाद महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल सदर अस्पताल शिवहर में मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, आशा के माध्यम से डॉक्टर मरीज से ब्लैक में दवा मंगवाते हैं, तब उनका ऑपरेशन किया जाता है। आशा ने बताया कि जब तक मरीज दवा लेकर नहीं आते बाहर से, तब तक उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता है। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भक्तिमय माहौल है। इस बीच विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से इसके विरोध में भी बयानबाजी जारी है और उस पर कई भाजपा नेताओं ने भी जवाब दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देने और उनसे तीखे लहजे का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत दी है कि वे विपक्ष के उकसावे में आकर तीखे बयान देने से बचें। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अयोध्या को लेकर आस्था दिखाएं और गुस्से से बचें। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के साथियों से पीएम मोदी का कहना है कि वे अपने यहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा अयोध्या भेजने पर फोकस करें और उसके लिए इंतजाम भी करें। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार पर ईडी का सिकंजा कसता जा रहा है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने राउ जेवेन्यू कोर्ट में द्रावड़ी देवी, मीसा भारती, लालू प्रसाद, एक और बेटी उनकी हेमा यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। लालू परिवार पर ईडी के सिकंजे को लेकर सियासत अब काफी तेज हो गई है। लालू परिवार पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जितनी भी कानून के हिसाब से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं वह अपना काम करती है, और जहां कदाचार होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, सत्ता का और पावर का दुरुपयोग करके आर्थिक अपराध किए जाएंगे, तो वहां ईडी जाएगी ही। नित्यानंद राय का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है और किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है तो ईडी का जो काम है वह कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं बन सकते हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की मांग कर डाली है। जहां प्रदेशवासियों को हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि यहां के लोगों को जब आयुर्वेदिक पद्धति से बेहतर इलाज कराना होता है तो वे दिल्ली जाते हैं। यदि दिल्ली की तरफ बिहार में यह सुविधा हो जाए तो यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत होगी। बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री व रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह ने जो पत्र पीएम मोदी को भेजा है उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बिहार का गौरवमय इतिहास रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ ही आयुर्वेद संकाय से हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार हिंदू धर्म को लेकर अपने विवादास्पद बयानों के कारण चर्चे में रहते हैं, लेकिन मंत्री के ताजा बयान ने राजद को फंसा कर रख दिया है और अब उन्होंने खुद के बयान से ही पलटी मार ली है।
दरअसल चंद्रशेखर के बयान के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया, तो आज मंत्री ने अपने ही बयान से यू टर्न मारा और कहा कि मैं तो राम भक्त हूँ, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया है, मैं वैसे मीडिया संस्थानों पर केस करूंगा जिन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया है। मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें राम मंदिर से बैर नहीं है, उन्हें तो भाजपा और नरेंद्र मोदी से बैर है जो राम को राजनीतिक रूप से बेच रहे हैं, नकली हिंदुवाद और नकली राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर कब्जा करने वालों से बैर है। कांग्रेस पार्टी की देशव्यापी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जी हां, इसकी वजह मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में हिंसा की ताजा घटना बताई जा रही है। लिहाजा प्रदेश की सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है, इस वजह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्रहण लगता हुआ सा दिख रहा है। दरअसल हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी के कारण मोरेह में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने गंभीर स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जदयू के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मदन सहनी ने कहा कि बीजेपी राजद और जदयू में दरार पैदा करना चाहती है, बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए, बीजेपी आपस में लड़ाने और भड़काने का काम कर रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीट जीतेगी और बीजेपी को बिहार में खाता भी नहीं खोलने देंगे। मुजफ्फरपुर पहुंचे सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कहना है कि महागठबंधन अटूट है, साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा बेवजह एनडीए में आने की बात को हवा दे रही है। देश में अगले कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां ना सिर्फ राजनीतिक रूप से तैयारियों में जुटी है बल्कि प्रशासनिक रूप से इसके लिए भी काम किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखकर बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली में आईपीएस अफिसरों द्वारा स्पैरो सिस्टम के तहत 31 जनवरी तक भारत सरकार को वार्षिक अचल संपत्ति विवरण देनी है। लंबे समय से खेल को लेकर संसाधनों और तमाम चीजों की कमी से जूझ रहे बिहार के खिलाड़ियों के लिए यह खबर काफी अच्छी है। जी हां, अब सूबे में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेल विभाग अस्तित्व में आ चुका है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में खेल विभाग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि सोमवार को नीतीश कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। दरअसल अब तक खेल विभाग तथा खेल से जुड़े कार्य और योजनाओं का संचालन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत होता था, लेकिन अब खेल विभाग अलग और स्वतंत्र रूप से काम करेगा। नवगठित खेल विभाग राज्य का 45वां विभाग होगा। ऐसे में राज्य सरकार ने आईएएस बी राजेंद्र को खेल विभाग का पहला प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।